एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सभी का मैं सुनैना मैम स्वागत करती हूँ। चलिए स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टूडेंट हम लोग चार्टर एक्ट 1793 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी जो है जल्दी जल्दी जो है लाइव हो जाइए और हम सभी जो है आज चार्टर एक्ट जो कि हमारा भारत का संवैधानिक विकास का एक क्या है अधिनियम है। तो चलिए हम लोग जो है बिना किसी समय को बिताए हुए जो है स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी जो है लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप सभी शेयर कर लीजिए ताकि उन सारे बच्चों को भी इन सारे अधिनियम के बारे में जानकारी हो सके। और एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं ऐसे वीडियो, तो उन्हें भी ये मिल सके। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सभी बताइएगा कि आप सभी जो है ऑडिबल और विजिबल है या नहीं। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू, सब कुछ क्लियर है, एकदम आ गया। तो चलिए ठीक है बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 1793 का चार्टर एक्ट क्या था, तो इनके बारे में सबसे पहले हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जानेंगे कि 1793 का जो चार्टर अधिनियम है इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो चार्टर एक्ट था 1793 ईस्वी में ये संसद के द्वारा, कौन से संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, जिसमें कि कंपनी चार्टर का नवीनीकरण किया गया था। ठीक है, जिसमें किसका नवीनीकरण, कंपनी चार्टर का नवीनीकरण किया गया था, पहली बात। दूसरी बात हम बच्चे क्या देखेंगे कि यह जो अधिनियम है इस अधिनियम में ब्रिटिश क्षेत्रों पर, यानी कि जितने भी अंग्रेजों के जो आधिपत्य थे, ठीक है, उनका जो शासन था, उनका जो अधिकार क्षेत्र था, ठीक है, इन सारे मतलब कि अधिकार क्षेत्रों पर, जिसे कि ब्रिटिश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो इस पर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या रखा गया, जारी रखा गया। तीसरी बातें हम क्या देखेंगे कि इसने, यानी कि इस अधिनियम में भारत में कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार था, तो ये एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए क्या रखा, जारी रखा गया। क्योंकि सबसे पहले आप सभी देखे थे कि जब यानी कि एलिजाबेथ, ठीक है, तो रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए ही क्या लिया था, यानी कि ये अनुमति प्रदान की लिया था। ठीक है, लेकिन इसको और 5 साल के लिए क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, तो यहाँ हम देखे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को जो है इस अधिनियम यानी कि चार्टर अधिनियम 1793 के अंतर्गत क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए, तो इन सारी छोटी छोटी बातों को हम क्या करेंगे, और कंपनी के जो भी प्रॉफिट थे, लाभांश थे, उस लाभांश के 10% तक बढ़ाने की क्या दी गई, अनुमति दी गई कि नहीं, अब जो है कंपनी के लाभांश को, प्रॉफिट को क्या किया जाए, 10% तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाए। तो ऐसी सब जो है शर्तें जो है चार्टर अधिनियम 1793 में रखा गया था। तो चलिए थोड़ी सी हम लोग लिख लेते हैं, तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि इस अधिनियम को हम क्या बोलते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से जाना जाता है, चलिए पहली बात, ये तो पहली बात हो गई भाई। फिर दूसरी बात है, हम लोगों ने क्या देखा कि इसे कहाँ पारित किया गया था, तो इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पारित किया गया था, तो इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में, इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में पारित किया
किया गया था, संसद में पारित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, कहाँ पारित किया गया था बच्चे, कमेंट जरूर कीजिएगा, तो बोलेंगे हम ब्रिटिश संसद में इस जो है अधिनियम को पारित किया गया था, जिसमें कि कंपनी चार्टर का नवीनीकरण किया गया था। ठीक है, जिसमें कंपनी चार्टर का क्या किया गया था, नवीनीकरण किया गया था। ठीक है, या लिख लीजिए जिसमें कंपनी चार्टर का, थोड़ा सा लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, चार्टर का नवीनीकरण किया गया था। चलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इस अधिनियम ने भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी के शासन को क्या रखा, जारी रखा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बातें क्या देखेंगे कि इस अधिनियम में जारी रखा, तो हम बोलेंगे भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर जो कंपनी थे इस कंपनी के शासन को जारी रखा। ठीक है, इस अधिनियम में ब्रिटिश जारी रखा, तो कंपनी का शासन को जारी रखा, कंपनी के शासन को के कर देंगे हम। चलिए, यहाँ तक तो बच्चे आप लोग जान गए। अब तीसरी बातें हम क्या देखेंगे, ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो और आप सभी जो है नोट करते चले जाइए। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे कि ये जो चार्टर एक्ट 1793 हुआ, तो इसमें भारत के जो कंपनी के व्यापार है, ठीक है, इसमें ये कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या रखा गया, 20 वर्षों के लिए जारी रखा गया। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 20 वर्षों तक, यह सब तक भाई समझ गए अब लोग। अब मूल बातें आप लोग जानिए। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो चार्टर एक्ट अधिनियम 1793 है, इस अधिनियम ने जो भी इस्टेब्लिश किया गया क्या था, क्राउन, यानी कि एक ताज, ताज के विषयों के द्वारा जो संप्रभुता की बात आती है, तो संप्रभुता का जो अधिग्रहण हुआ, तो ये अधिग्रहण जो है क्राउन की ओर से है। ठीक है, तो अधिग्रहण किसके द्वारा हुआ, तो अधिग्रहण जो है किसके द्वारा हुआ, तो बोलेंगे क्राउन की ओर से। किसकी ओर से, क्राउन की ओर से, वगैरह सारी चीज मिल जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ जो है स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर क्या करना है, सिर्फ आपको कॉन्टेक्ट करना है, या हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट के ऐप में जा करके आपको क्या करना है, थोड़ा विजिट कर लेना है, आपकी सारी जो है परेशानी क्या हो जाएगी, पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ क्या देखा, तो हम बात कर रहे थे कि चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में स्थापित किया गया जो क्राउन के विषय में, विषय के द्वारा जो संप्रभुता का अधिग्रहण की बात की, तो ये क्राउन की ओर से है। ठीक है, उसके बाद और ये मतलब कि कहिए कि ये अधिकार वाली बात अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से क्या कहा गया कि कंपनी के जितने भी राजनीतिक कार्य हैं, जितने भी पॉलिटिकल वर्क है, वो सारे के सारे ब्रिटिश सरकार की ओर से थे। हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, तो बोलेंगे राजनीतिक कार्य किसकी ओर से थे, तो राजनीतिक है, यहाँ तक आप बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, साथ ही हम क्या देखेंगे कि कंपनी का जो 10% क्या था, प्रॉफिट था। ठीक है, कंपनी के 10% जो प्रॉफिट थे, लाभांश थे भाई। ठीक है, प्रॉफिट था बच्चा, जो लाभांश था, इसको क्या किया जाए, 10% से तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, लाभांश किसके अंतर्गत, तो हम बोलेंगे चार्टर अधिनियम 1793 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए। अब आगे सुनिए कि इसमें क्या हुआ, इसमें यह भी हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियां जो है प्रदान कर दी गई। ठीक है, और कुछ ऐसी परिस्थिति में, यानी कि सम रेयर सिचुएशन भी थे, जिसमें कि अपनी परिषद के जो है निर्णय को क्या किया गया, रद्द कर सकता था, तो ऐसा भी अधिकार दिया गया। मतलब कि इनको हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं कि इनका तात्पर्य क्या होता है।
यानी कि गवर्नर जनरल जो होता था तो गवर्नर जनरल को जो है सबसे मैक्सिमम पावर दिया गया कि भाई आप अपने डिसीजन से कुछ भी कर सकते हैं इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे मतलब कि क्या थे, पावर्स थे, ठीक है, जो कि कुछ परिस्थितियां आने पर ही क्या हुई, काउंसिल को क्या होती थी, मिलती थी, परिषद को मिलती थी, यानी कि काउंसिल के निर्णय को क्या कर सकता था, रद्द कर सकता था। कौन रद्द कर सकता था, कुछ ऐसी परिस्थिति आने पर तो बोलेंगे गवर्नर जनरल रद्द कर सकता था, ठीक है। तो चलिए, तो अधिक शक्तियां किसको प्राप्त थी, तो गवर्नर जनरल को प्राप्त थी, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ अधिकतर शक्तियां के निर्णय को क्या कर सकता था, रद्द कर सकता था, अपने परिषद के निर्णय को कर सकता था। ऐसा कौन कर सकता था, तो हम बोलेंगे कौन, तो गवर्नर जनरल। थोड़ा सा हम क्या देखेंगे कि खास करके पुणे, मद्रास और बम्बई, ठीक है, मद्रास और बम्बई के राज्यपालों पर भी क्या था, यानी अधिकार दिया गया, यानी कि कहिए कि कुछ जो पावर्स थे वो मद्रास और बम्बई के जो क्या थे, राज्यपाल थे, उनको थोड़ा सा जो है अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें कि कुछ अधिकार की गई थी। चलिए, यहाँ तक बच्चे आप सभी एकदम समझ गए होंगे, जल्दी जल्दी आप सभी नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगले जो है बातों पर क्या करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक तो समझ गए, जल्दी जल्दी थोड़ा भैया नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या आगे बढ़ेंगे भाई बताइए। चलिए, बात हम यही करेंगे, चलिए अगले पेज को हम लोग ले लेते हैं। अब बात हम यही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर दिख रहा है आप सभी को, कोई परेशानी नहीं ना हो रही है, चल बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ हम बच्चे यहाँ ये देखेंगे कि जब गवर्नर जनरल यानी कि मद्रास और बॉम्बे में मौजूद थे तो तब वह मद्रास और बॉम्बे के राज्यपालों पर अधिकार कर लेते थे, ठीक है। चलिए, तो बाकी जब नहीं रहते थे तो अधिकार नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या नोट करेंगे भाई कि जब, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जब गवर्नर जनरल, जब गवर्नर राज्यपाल राज्यपाल वहां मौजूद होते थे, कहां मौजूद होते थे, तो बंगाल में, ठीक है। तो वह इन अधिकार करते थे, क्या करते थे बच्चे, अधिकार कर लेते थे, ठीक है, कर लेते थे, ठीक है। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। अब हम यहां आगे बढ़ेंगे, क्या देखेंगे कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे इनके एब्सेंट में, इनकी अनुपस्थिति में वह अपने परिषद के नागरिक सदस्य को ही क्या करता था, उपाध्यक्ष नियुक्त करता था, ताकि इन गवर्नर जनरल के एब्सेंट में उस जो है राज्य की सारी कार्यवाही की जा सके, यानी कि नियंत्रक मंडल के सदस्य को ही भारतीय जो है राजस्व से वेतन देने की भी अनुमति की व्यवस्था दी गई थी इस चार्टर एक्ट में, ठीक है। तो यहाँ ये बातें याद रखेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग कि बंगाल के गवर्नर जनरल जब क्या होते थे, एब्सेंट होते थे, तो वैसी स्थिति में क्या किया जाता था कि उनके ही काउंसिल के कोई ऐसे नागरिक सदस्य जो कि उस काम को संभाल सके, उनमें से किसी एक को क्या किया जाता था, उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता था, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में बंगाल के गवर्नर जनरल की
की अनुपस्थिति में होते थे तो वह अपनी परिषद सदस्यों को नियुक्त करते थे। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, या वो एब्सेंट होंगे तब, तो यानी कि कहने का मतलब है कि नियंत्रक मंडल जो होते थे, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को ही क्या था, भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था चार्टर एक्ट में क्या की गई थी, शामिल की गई थी। ठीक है, तो हम लोग अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या कि नियंत्रक मंडल के द्वारा नियंत्रक की गई। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग मेनली जो देख रहे हैं क्या, तो सबसे पहली बात कि जो ये चार्टर एक्ट जो 1793 है, तो इसको हमने देखा कि ब्रिटिश संसद में इसे पारित किया गया और चार्टर अधिनियम का जो है क्या किया गया, तो नवीनीकरण किया गया। क्या किया गया, चार्टर एक्ट का जो है क्या किया गया भाई, तो बताइए आप सभी, तो नवीनीकरण किया गया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है, हम लोगों ने क्या देखा कि इस अधिनियम में भारत ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी के शासन को जारी रखा, साथ ही जो 15% का अधिकार क्षेत्र था व्यापार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको बढ़ा करके 20% के भारत के कंपनी व्यापार को क्या रखा, जारी रखा। इसी बात पे हम क्या देखेंगे कि इसमें जो स्वामित्व का अधिग्रहण हुआ वो क्राउन की ओर से हुआ था। ठीक है, और चौथी बात क्या देखेंगे कि राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से थे और कंपनी का जो 10% प्रॉफिट था उसमें भी क्या किया, करने की बात हुई, बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने की बात इस एक्ट में कही गई। ठीक है, और अधिकतर जो शक्तियां होती थी वो गवर्नर जनरल को प्राप्त होती थी और उसके एब्सेंट में भी क्या होता था कि किसी परिषद के नागरिकों को क्या बनाया जाता था, उपाध्यक्ष बनाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं चार्टर एक्ट 1813 में। चलिए अगला चार्टर एक्ट में हम लोग चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चलिए तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, इन सारी बातों को हम बच्चे जानेंगे। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में कंपनी के जो व्यापारिक क्षेत्र थे, ठीक है, इसको क्या किया गया, यानी कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए इस अधिनियम के द्वारा अधिकार मोनोपोली क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन चीनी और चाय पर क्या हुआ, एकाधिकार यानी मोनोपोली चलती रही। ठीक है, दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत क्या हुआ कि भारत में जो शिक्षा के प्रसार के लिए, ठीक है, पहली बार जो है धनराशि, और धनराशि कितनी की थी, तो 1,00,000 रुपये की थी। तो पहली बार जो है भारत के शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1,00,000 रुपये की धनराशि, वार्षिक धनराशि की व्यय का प्रावधान किया गया कि साल में 1,00,000 रुपया क्या किया जाए, शिक्षा पर खर्च किया जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा बात। चलिए दूसरा हम क्या देंगे, दूसरी पॉइंट हम बच्चे देंगे कि भारत में, चलिए यहाँ तो बच्चे आप समझ गए, ये तो बहुत बढ़िया था कि भारत में शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए क्या हुआ कि पहली बार जो है प्रसार प्रसार के लिए, यहाँ लिख दीजिए भाई, पहली बार, बहुत थोड़ा धमाका जैसा वर्ड लगता है। ठीक है, 1,00,000 रुपये की वार्षिक धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तीसरी बात क्या थी कि भारत में जो ईसाई मिशनरी थे इनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी अनुमति
प्रदान की गई। और इसी टाइम में क्या आए थे, संत थॉमस आए थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि भारत में ईसाई की गई। समझ में आ रहा है बच्चा? चलिए कमेंट कीजिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और इसके साथ ये जो ईसाई मिशनरी थे ये ब्रिटिश को, ठीक है, यानी अंग्रेजों को जो है भारत में बसने का अधिकार भी प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या कि इसके द्वारा, इसके यानी कि धर्म के नाम पर, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है, क्या लिखेंगे, ब्रिटिश को अनुमति। चलिए अब हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चलिए इस अधिनियम में क्या हुआ बच्चा, ये अब हम लोग जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख लीजिए आप सभी, क्या लिखेंगे, बना दिया गया। चलिए यहाँ तक तो आप सभी जान गए। और दूसरी बात है, हम क्या देखेंगे, जिसमें कि सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां क्या थी, निहित थी। ठीक है, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें क्या थी, सारी सैन्य शक्तियां, सभी नागरिक, ठीक है, जिसमें सभी नागरिक, ठीक है, निहित। चलिए ये तो बहुत अच्छा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। साथ ही हम क्या देखे कि जिसमें नागरिक एवं सैन्य शक्तियां क्या थी, निहित थी। ठीक है, चलिए निहित थी। चलिए अब हम यहाँ बच्चे ये देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ। ठीक है, जब आपको पूछेगा कि क्वेश्चन है ये कि चार्टर एक्ट 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हम आराम से बोल देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसका नाम लेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम लेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो यहाँ ये नोट कर लीजिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल से लेकर के 1835। समझ में आ गया, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि चार्टर एक्ट 1833 नियम के अधिनियम के द्वारा जो है जो ब्रिटिश भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास भी किया गया। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा, तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। ठीक है, तो इनको भी आप सभी नोट कर लीजिए। बोलेंगे हम कि इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, तो हम बोलेंगे ब्रिटिश भारत। चलिए यहाँ तक तो भाई हम लोग समझ गए कि केंद्रीकृत शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, साथ में हम क्या देखेंगे कि ये जो चार्टर एक्ट 1833 है, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, जो भी कमीशन के गठन हुए, ठीक है, तो ये आयोग के गठन का प्रावधान भी इसी अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, तो पूछेगा कि आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम में हुआ, तो बच्चे जवाब दीजिएगा आप लोग, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ नोट कर लीजिए इस अधिनियम के तहत। चले यहाँ तक तो भाई देख लिए
अब हम अगली बात देखेंगे कि पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो आप और किसके काल में किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है 1834 ईस्वी में किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो लिखेंगे प्रथम विधि आयोग का गठन, प्रथम विधि आयोग का गठन भेदभाव की नीति को, ठीक है, भेदभाव की नीति को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और साथ में ही इसमें क्या जोड़ा गया कि जो भी नियुक्ति होगी, ठीक है, तो नियुक्ति में जो है योग्यता संबंधी मानदंड को क्या किया जाए, अपनाया जाए। ठीक है, एवं गया। ठीक है, यहाँ तो हम सारी बात कर ली भाई कि सबसे पहले आज जो हम लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन, ठीक है, एजुकेशन क्षेत्र में या किसी भी जो है नियुक्ति के लिए क्या किया जाता है, अब योग्यता के आधार पर नियुक्ति लिया जाता है। तो ये नियम कब से बना, तो चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बना। ठीक है, साथ ही बच्चे हम क्या देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो है दास प्रथा को, यानी कि जो गुलामी थी, ठीक है, इस दास प्रथा को भी क्या किया गया, नियम और कानून के विरुद्ध जो है घोषित कर दिया गया। और साथ ही अंततः क्या हुआ, 1843 ईस्वी में जो है लॉर्ड एलनबरो के द्वारा क्या किया गया कि ये दास प्रथा, ये गुलामी प्रथा को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। एकदम याद रखिएगा। ठीक है, तो समाप्त करने में जो है कौन से ब्रिटिश शासक थे, तो लॉर्ड एलनबरो का नाम याद रखिएगा। ठीक, चलिए इस लाइन को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा अब आते हैं अंतिम चार्टर एक्ट की ओर। चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, लिखिए जल्दी आप लोग। चलिए, बहुत समय हो गया भाई, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम चार्टर एक्ट, यानी कि चार्टर एक्ट 1853 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ, इसको जानते हैं। अब ये लॉर्ड, मतलब कि ये जो चार्टर एक्ट 1853 था, 1853 में, अब हम यहाँ ये देखेंगे कि यह ब्रिटिश संसद के द्वारा, यानी कि यह चार्टर एक्ट जो है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया था, अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, अंतिम अधिनियम था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे कि यह ब्रिटिश संसद के द्वारा था। ठीक है, यहां तक तो हम लोग देख लिए। दूसरी बात क्या देखेंगे कि ये चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो है बच्चा क्या है कि भारत के लिए जो भी कानून निर्माण के लिए 12 सदस्य क्या बना, यानी विधान परिषद की स्थापना की गई, यानी कि भारत में विधि निर्माण के लिए, कानून के निर्माण के लिए, कानून को सुचारू रूप से चलाने के लिए 12 सदस्य का जो है विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए तो दूसरी बात क्या लिखेंगे, स्थापना विधान मंडल नहीं बोलेंगे, विधान परिषद बोलेंगे। ठीक है, विधान परिषद सदस्यों की क्या हुई, विधान परिषद की स्थापना की गई, स्थापना की गई। चलिए, अब हम लोग अगली बातें क्या देखेंगे कि जितने भी सिविल सेवा परीक्षा देख रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी, ठीक है, तो ये सिविल सेवकों की जो भर्ती है और उनका जो सिलेक्शन है, यानी चयन है, ये सारी बातों
के लिए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के का जो आयोजन हुआ ये इसी चार्टर एक्ट यानी कि चार्टर एक्ट 1853 के प्रावधान में किया गया, ठीक है। और साथ ही केंद्रीय विधान परिषद में जो स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात आती है इसका प्रावधान भी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये सारी बातें बच्चे हम याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन आप लिख लीजिए, तो लिखेंगे सिविल सेवा परीक्षा के तहत किया गया, ठीक है। चलिए अंतिम बातें हमने क्या बोला, केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद ठीक है। तो इस तरह से बच्चे हम लोगों ने क्या देखा, चार्टर एक्ट 1853 देखा, ठीक है। ये अंतिम चार्टर एक्ट था और इसी के माध्यम से भारत के कानून व्यवस्थाएं क्या हुए, 12 सदस्य विधान परिषद की के द्वारा क्या की गई, गठित की गई, और जितने भी सिविल सेवा परीक्षा है इन सारे परीक्षाओं का जो है आयोजन और नियुक्ति की बातें संबंधित प्रावधान को इसी एक्ट के तहत निर्धारित किया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी आज जो है चार्टर एक्ट अधिनियम को क्या किए, यानी कि प्रथम चार्टर एक्ट से लेकर के अंतिम चार्टर एक्ट को भले भांति पूर्ण कर लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, तो बिल्कुल आप सभी बताइएगा। ये अधिनियम का जो चार्टर एक्ट अधिनियम का जो सेशन था, आप सभी अपना कमेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल रखिएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया के जितने भी साइट्स हैं वहाँ हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको हमारा लेक्चर वीडियो, रिकॉर्डिंग वीडियो, हमारे द्वारा जो है हैंड रिटन नोट्स और जो है आपको प्रिंटिंग नोट्स को जो है आपको प्रोवाइड हम कर सके, ठीक है। तो चलिए देर बात किस बात की, तो आप आज ही डाउनलोड कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो हम लोग विदा लेते हैं स्टूडेंट एक दूसरे से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।